प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद तंजानिया पहुंच चुके हैं। मोदी यहां गांव की महिलाओं से मिलेंगे जिन्हें भारत के एक कॉलेज ने विशेष प्रशिक्षण दिया है। तंजानिया में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। मोदी के साथ 50 बड़े उद्योगपति भी मौजूद हैं जो वहां स्टील फैक्ट्री, सीमेंट, दवा और फ्रूट जूस की कंपनियां स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे के आखिरी दिन मोदी ने पीटर मार्टिसबर्ग में ट्रेन से यात्रा की। आपको बता दें कि ये वही ट्रेन है जिस पर से 1893 में महात्मा गांधी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उसी स्टेशन पर पहुंचे। सफर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन से सफर करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मोदी के मुताबिक दोनों देश मिलकर लोगों के सपनों को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की यादें भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा उनके लिए तीर्थ यात्रा की तरह बन गई है। वो सभी तीनों जगह पर जा सकें जो भारत के इतिहास और महात्मा गांधी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। पीटर मार्टिसबर्ग ने मोहनदास को महात्मा का दर्जा दिया था। उनके बाद जो फिनिक्स की उस बस्ती में वो पहुंचे मोदी, जहां महात्मा गांधी काफी समय तक रहे। उसके बाद वो आखिर में डरबन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तीसरे पड़ाव में वो तंजानिया पहुंच चुके हैं। उसके बाद केन्या का दौरा पूरा कर वो स्वदेश लौटेंगे। साउथ अफ्रीका की मेरी ये यात्रा एक प्रकार से तीर्थ यात्रा बन गई है। मैं उन तीनों प्रमुख स्थानों पर नमन करने के लिए जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो तीनों जगह महात्मा गांधी के जीवन में और भारत की आजादी की यात्रा में यादगार है,